अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्याज और हमारी हरी मिर्चें और आलू कट चुके हैं। रात का टाइम है और एक हमारी माँ जी पहुंची हैं राशन देने के लिए। सुबह का बोला हुआ था क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो जाते हैं काम पर, मजदूरी पर। अम्मा जी, अल्लाह पाक ने तुम्हारे वास्ते ईदी भेजी है, ठीक है ना? ते ए राशन है पिया ईदी दा जैम भेजे, उन्होंने वास्ते भी दुआ करनी है, ते रोजे भी रखने, जोर दाखो अल्लाह उन्होंने को बहुत। आमीन आमीन, हूं खुशी वे। हाँ आमीन आमीन। अम्मा जी कह रही है अल्लाह पाक उनके रिस्क में इजाफा फरमाए और अल्लाह पाक आपको बहुत दे। ये हमारी बहना है, परसों उन्होंने कुछ पैसे डोनेट किए थे, अल्लाह पाक उन सिस्टर को जजाए खैर। शाह की अजानों का टाइम हो चुका है और रात को एक और फैमिली, दो हमारी ये बहनें आई हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, एक के जो हैं वो बहुत ही अलील हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। दूसरी बहन जो है उनके जो हस्बैंड हैं वो रक्षा चलाते हैं, ये हकदार हैं। मेरी बहन ए जिन्ना तरफ ये राशन है उन्ना वास्ते दुआ करनी है, ते असा तो अमानत होंगी है, पुचावनी होंगी है। ते दो ये बहनें आई हैं, इनका राशन जो है इनका हक इनको देते हैं। इब्राहिम और नोनी, अभी ये मोहम्मद इब्राहिम, ये दोनों भाई दो मिलकर इनका राशन पूछवाएंगे। अभी ये काम से आया, देखें सारे बाल छाल इसके खराब हुए हैं, अल्लाह खैर कर। दुआ करे मेरी बहना, ठीक है ना? आमीन आमीन। चलें भाई उठाओ बेटा, अली हसन आप भी उठाओ। हाँ ठीक 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 है, ए आप उठा लो भाई मकबूल, आप उठा लो ना, औरतों से नहीं उठाया जा रहा। चलें ये बाहर दे दो ना, बाहर बाहर दे दो, आए हुए हैं ना भाई। चलें अब कितने रह गए पीछे, बस एंड हो गया, बस वो फिर सुबह देखेंगे, ठीक है ना? चलें अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। आया हुआ हूँ महवेश बेटी के घर और महवेश बेटी लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मामू, लिपाया करना में शुरू है, से कल लिपेंगे सारा। कल कल तो जुम्मा है, आज लिपेंगे, मैंने कहा आज फाइनल हो जाएगा सारा काम। हाँ जी हो जाएगा। चलो अल्लाह खैर करता है। महवेश के बाबा को लेके जाना है किसी काम से, तो सुबह सुबह के टाइम है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं, धूप निकल आई है और महवेश के बाबा को लेके जाते हैं जिस काम से, अल्लाह खैर करता है। भाई रफीक और हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर फातिमा सिस्टर ने देखे माशाल्लाह कैसी अच्छी लिपाई की है। अस्सलाम वालेकुम। लगे पड़े हो? आज में लगता काम फाइनल करके छोड़ेंगे, बस ये रह गया आखिरी यही काम है, ये हो जाएगा शाम तक, हो जाएगा। चलें अल्लाह खैर करता है। गर्मी और यहाँ पे मैं अब जा रहा हूँ एक काम से, आप अपना काम करें, ठीक है? अल्लाह हाफिज। 12 बजे का जी टाइम है दोपहर का, घर पहुँच चुका हूँ और सुगरा मुझे लगता है पता नहीं किसी मोहल्लेदारों की बकरी चोरी करके ली आई है। नहीं नहीं, चोरी नहीं करके लाई हूं। और किसकी है? अली हसन ने ली है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो काम करता है ना इस गोश्त का, किसी की बेचनी है? चलो पता नहीं कितने की हो गई है, पता नहीं, ये नहीं पता कितने। चलो अच्छी है माशाल्लाह, प्यारी तो है ना, होगी 15-20 हजार की होगी कम से कम। चलो पर आई चीज है, सामान सारा जी उतार लिया है और आज लेके आया हूँ गर्दने और पता नहीं वो और क्या चीज वो बता रहा था, वो लेकर आया हूँ विंग्स, विंग्स और गर्दने बनाएंगे आज, चावल 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 भी अच्छा, आलू गोश्त बना के रखूंगी सुबह सैरी के लिए, सही है, पुलाव बनाऊंगी शाम के लिए। चल ठीक हो गया, अल्लाह खैर करता। बेसन भी आ गया, घी भी आ गया, जामे शीरी भी आ गया, प्याज भी आ गया, हदवाना भी आ गया, ठीक है, और सामान जो है वो भी आ चुका है। एक ही लानी थी ना जो कम थी, दो लानी थी। अच्छा अच्छा, वही लेकर आया हूँ ना, अब अपनी नहीं लेकर आया मैं, वो फिर मैं ले आऊंगा, ठीक है। दोपहर का टाइम है, रोजा भी बहुत लग रहा है। ये हमारी बुजुर्ग अम्मा जी आई हैं, ये हमारी इधर विलेज में से ही है, काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। तो ईदी ये हमारे भाईजान है अब्दुल रहमान मरहूम, इंग्लैंड, जिनकी कोरोना से डेथ हो गई थी पिछले साल, अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में रखे। और हमारा बहुत ही प्यारा भांजा अली अतीक, जिनके तवस्सुस से ये हमारे पास पेमेंट पहुंची थी और जो हकदारों का हक है, बुजुर्ग खातून है, इनको देते हैं राशन। भाईजान आ जाए जरा, इनको ना बुजुर्ग का पचा के आना है आपने। अम्मा तारे को नचवी सी है ना, नीचे भी
ठीक है ना भाई, ये घर दे के आ जाना। जिया जिया दे जुलो। दादा बू भी बैठे हैं यहीं पर। दादा बू गर्म हो रहे हैं भाई, राशन क्यों दे रहे हो? दादा को, दादा बू की जेब से पैसे लगने हैं। दादा बू को पता नहीं है ना चैनल चुनल का। यहाँ पर जी पकौड़ों के लिए शुक्रिया ने ये चीजें काट ली हैं, टमाटर प्याज भी यहाँ पे भी काट लिए हैं। ये किस चीज के लिए है? पुलाव के लिए। पुलाव के लिए माशाल्लाह। क्या कर रहे हो, शोर क्यों किया है? क्या लेना है प्यारे? क्या है ये? मुझे लगता है पानी मांग रहा है। ऐसा ही है ना, गोला लेना है। पता नहीं क्या करे, ऐसे सारी खाया जा रहा है। चले फिर, आपको इतनी देर है आपको? बस मेरा मसाला बन रहा है ना, जो गर्दने वो लेके आए ना आप, वो मैंने धोनी है, धो के वो रख दूंगी। फिर मैंने चावल बनाने, चावल बना के फिर मैंने पकौड़े बनाने हैं। चले अल्लाह खैर करता। मैंने अब जाना है जाके मस्जिद के लिए, दो देगों का वो ऑर्डर दे के आना है। बाइक के इंतजार हो रही है, जिस तरह ही आता है फिर मैं दो देगों का ऑर्डर दे के आता हूँ। अल्लाह खैर करेगा। आपने पराते वो निकाल ली है और एक टब उसको धोना है, ठीक है ना? मस्जिद में 30 पराते हैं, जितनी भी है ना धो देना वो। फिर मैं 5 तो उधर भी है ना फातिमा सिस्टर। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर मोटर लगी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मोटर। जा बेटा चला मोटर को, चलाना जा चलाओ। अरे जा माशाल्लाह जी, ये हमने मोटर लगवाई है, ये इंग्लैंड से हमारे सिस्टर हैं, उन्होंने लगवा के दी है। ये हमारे अपने ही हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत परेशान थे पानी के लिए, पानी नहीं था। अल्लाह पाक सेहत दे हमारी सिस्टर को, इंग्लैंड में रहती हैं। चलते हैं भाई, सर की नमाज़ पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ये वाली मोटर है माशाल्लाह, बिल्कुल छोटा सा घर है इनका, इसको यहाँ से बंद करते हैं। मस्जिद में आ चुके हैं प्यारे बहन भाइयों, हमारी एक सिस्टर हैं इंग्लैंड में, उन्होंने हमें मस्जिद के लिए दो देगों के पैसे दिए थे, लेकिन लेट बहुत हो चुके हैं, तो हमने ये मिठाई ली है 27वीं रात के लिए। तो बाकी जो डिटेल है सिस्टर को मैं दे दूँगा। जो उनके हस्बैंड हैं अब्दुल रहमान, जो इंग्लैंड में एक साल पहले कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, प्यारे बहन भाई आपने दुआ करनी, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। घर जी मैं आ चुका हूँ महवेश बेटी के, देखें बहुत ही प्यारा लेपा किया हुआ है, और चूल्हे की सेटिंग देखें, तवी की कहाँ बनाई हुई है, और अब मज़ा आ रहा है, प्योर विलेज नज़र आ रहा है माशाल्लाह। आप ही कह रहा हूँ महवेश बेटा, मैंने कहा बहुत मेहनत की है आज। हाँ जी। बहुत ही प्यारा माहौल, विलेज माहौल बन गया है। चलें, अपना तो नहीं, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह ईद के बाद फिर, मैंने वो मालिक आया था, हमने ना उन्होंने वो कड़क गाई है ना, तो सुबह से पंप भी निकलती है ब्रीक ब्रीक, हमने वो थाई, उसने कहा लेपे चौपे कर रहे हो तुम यहाँ से, भाई पंप भी क्यों डाल ली है? तो उनको कहना पैसे दे देंगे हम, कौन सा मसला है? नहीं वो तो कोई भी नहीं खाता ना, माल खा रहे ना, नहीं खाते वो, वो क्यों, कोई भी नहीं खाता, वो लोग यूं खा के ले जाते। अच्छा, तो वो वैसे ही कह रहा होगा सफाई सफाई कर रहे हो। वो कह रहा वहाँ से नहीं खाने चाहिए भाई, वहाँ से ना भाई सारे फिर देख के ना फिर सारे खा। हाँ शुरू हो जाते हैं, मुझे कहता है ना मैं ये सामने वाले मकान नहीं खड़ी है। हाँ यहाँ से भाई पंप भी पड़ी थी, मैं तो यहाँ से चलो कोई। हाँ जी पसीना भी आप ही को आ रहा है साइड पर से, इस जगह से। चलें माशाल्लाह। हाँ बहुत प्यारी माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत ही प्यारे प्यारे बहन भाई। मुझे लगता है आप ही ईद की तैयारियां करने लगी है। और चलते हैं, और अब आज आपको दिखाते हैं फ्रिज की सेटिंग। पहले पंखे को शरीफ को बंद करते हैं ना, करो बंद करो पंखे को, तेरा भला। ये जी सिस्टम है फ्रिज का, और यहाँ से जी आते हैं फ्रिज की तरफ। आज आपको दिखाते हैं अंदर से इसमें क्या क्या माल मता रखी हुई है। अच्छा, ये बर्फ वगैरह रखी हुई है माशाल्लाह, इसका जलता नहीं मुझे लगता ना, नहीं लाइट नहीं है। चलें अल्लाह खैर करता है, नीचे वाले की होगी। ये देखें क्या क्या चीजें रखी हुई है आप ही ने। वाह जी वाह, बोतलें, करेले, दूध, इस साइड पर भी बोतलें हैं, यही माल होता है भाई। और हरी मिर्चें वगैरह हैं, और नीचे भी करेले। अच्छा चलें, नीचे हमारी वो दादी, वो करेलों की भाई कोई मंडी लगा रखी है, साथ जिसके मकान है ना वो उनके थे, उनके थे, फिर उन्होंने दिए हमें, हमें भी दिए कलर, कई को भी दिए दादी, और कभी आपने खाने तो हम आपको भी दे देंगे। और आप भाई बस 3-4 दिन रहते हैं, ईद के बाद करेले रज रज के खाएंगे। आपको पता है करेले उस दिन खाए सुगरा ने करेले, इतनी भड़की लगी है उसको, वो कह रही है मेरा बुरा हाल हो गया था रोजा खोलने के बाद। आपने तो खाया, आपको मैंने तो अफतारी के टाइम खाए थे, उसने सहरी के टाइम खाए करेले, इसलिए।
चलो मैं जरा उधर हुआ तो सलाम दुआ करता हूँ, फिर मैं घर जाता हूँ, थका हुआ हूँ बहुत। आ चुके हैं जी रुकैया सिस्टर के घर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ओ जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चे? हाँ जी भाईजान, सुबह किस टाइम पहुँचोगे घर? किस टाइम कहोगे? क्योंकि सुबह मंडी जाना है, क्योंकि फातिमा सिस्टर की इधर इफ्तारी का इंतजाम है ना, तो हमारे जो बिस्मा सिस्टर हैं फैसलाबाद वाली, उनका चैनल की पेमेंट आई थी, उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए थे, और जो हमारी यूके वाली सिस्टर हैं उन्होंने भी पैसे दिए हैं कि भाई अपने घर इफ्तारी करो, लेकिन हमने जो इंतजाम में फातिमा सिस्टर के किया हुआ है, आपको दावत होगी। तो इंशाल्लाह सुबह जाना है हमने उधर मंडी में, फल फ्रूट लेके आना है, फिर आएंगे कोई गोश्त वगैरह जो चीज करनी है इफ्तारी में देखेंगे, ठीक है? मैंने कहा भाई को बता दूं आपने सुबह पहुंचना है मेरे पास, ठीक है? अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे रोजा बहुत लगा हुआ, बुरा हाल हुआ हुआ है। मैंने कहा चलो सलाम दुआ। घर जी आ चुका हूँ। हाँ जी आप क्या कह रही थी? मैं कहा जी किधर थे सारा दिन? आपको नहीं पता जुमेरात है? हाँ जी जुमेरात तो है। तो फिर जुमेरात मस्जिद के काम, फिर मिस्त्रियों का पैसों का लेन देन सारा कुछ करना होता है। अच्छा। फिर आज 27वीं की रात है, वहाँ मिठाई रखनी थी मस्जिद में, काफी मसले मसाइल है। वो थी देगें जो थी, एक सिस्टर है हमारे यूके में रहती है, उन्होंने अपने हस्बैंड जो हमारे भाई जान थे अब्दुल रहमान मरहूम, पिछले साल कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, उनके साले स्वाब के लिए दो देगों के पैसे भेजे थे, पैसे पहुंचे हैं 3 बजे पाकिस्तानी टाइम पर। यार मुनीब 2 मिनट बेटा, पाकिस्तानी टाइम पर 3 बजे पहुंचे, मैं अब गया हूँ देगों का पता करने के लिए, उन्होंने कहा जी देगें आज नहीं मिलती, फिर मिठाई देकर आये हूँ मस्जिद में, मजबूरी थी, अब क्या करें। हाँ चलें, अल्लाह मालिक है, मिठाई देकर आ गया हूँ। और यहाँ जी हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है, अल्लाह पाक लाख लाख एहसान है, पंखा लगाओ जी, अब दुआ मांगते हैं बैठकर और फिर अफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह, जैसे ही सारन बजेगा बजेगा। आज तो बुरा हाल हुआ पड़ा, बोला भी नहीं जा रहा है जी। तो मेरे प्यारे बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान हमारा सज चुका है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ। एक हमारी बहन है जिन्होंने हमें मोटर के लिए पैसे दिए थे घर के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मोटर लग चुकी है, उस पर तकरीबन मेरे ख्याल 30 से 32 हजार या जितना भी खर्चा आएगा, अभी मैंने उसे हिसाब किताब नहीं लिया, वो भी लग चुका है। और माशाल्लाह मस्जिद का काम भी जो है आज मैं मजदूरों भाइयों को देकर आ चुका हूँ। और एक हमारी बहन है यूके में रहती है, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए अब्दुल रहमान मरहूम जो पिछले साल कोरोना की वजह से उनका इंतकाल हो गया था, साले साहब के लिए दो देगे मस्जिद के लिए डोनेट की थी, लेकिन 3 बजे पाकिस्तानी टाइम पर उनके पैसे पहुंचे हैं। मैं पूरा लैया फिर के आया हूं देगों वालों के पास, लेकिन उन्होंने कहा जी आज हम आपको देगे नहीं बना के दे सकते, इसलिए जो मजबूरन हमने मिठाई का इंतजाम किया है मस्जिद में, भी देकर मैं मिठाई आ चुका हूँ और अब दुआ करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने देखा है काफी दिनों से हमारे चैनल पर और सिस्टर रुबीना के चैनल पर और एक और चैनल था उन पर कोई हमारे छोटे मोटे ये समझे खट्टी मीठी बातें, नहीं खट्टी मीठी बातें होती रही हैं। गलती किसी की भी हो, माह रमजान का महीना है तो हम दस्तरखान पर बैठ के, इसलिए मैं बात करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि दस्तरखान पर झूठ ना बोला जाए, लोग पता नहीं क्या से क्या समझे, उनकी मर्जी, तो झूठ बोलने वाले तो मस्जिद में भी बैठ कर बोल देते हैं, कुरान पाक भी हाथ उठाकर बोल देते हैं, तौबा नाउज़बिल्ला अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। तो प्यारे बहन भाइयों मैं बता रहा था कि गलती किसकी भी हो, हम इसमें मुलवस शुक्रिया है या नहीं है, मेरा कसूर है या नहीं है, सुगना का है या नहीं है, हम क्योंकि उन्होंने कहा कि जी चैनल को सपोर्ट क्यों किया गया, तो हम आपका एहसान चैनल वाला पूरी जिंदगी नहीं भुला सकते, क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को रिस्क हलाल खिलाता हूँ। आप आए और आपके आने से हमारे चैनल के में बहारें आई, हमारे चैनल को रौनकें लगी और हमारे चैनल को तरक्की मिली, ये मैं भूल सकता हूँ? मैं भूल ही नहीं सकता, मैं नमक हराम नहीं हूँ, और ये मैं अपने बच्चों को भी बता कर जाऊंगा कि ये खानदान जो है इनका हमारे पे बहुत बड़ा एहसान है, और हमारे बच्चे भी, ये हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह इस चीज की गवाही देंगे, लेकिन बस जिन्होंने फूट डलवानी थी डलवा दी, अल्लाह उनको खुश रखे। तो मैं आज किसी की भी गलती हो, मैं बार बार कह रहा हूँ किसी की भी गलती हो, किसी की भी गलती हो, मैं सदके दिल से रोजे के साथ बैठा हूँ, दस्तरखान पर बैठा हूँ, ठीक है? सुगना बैठी है, शुक्रिया बैठी है, हम सिस्टर रुबीना
और भाई खुर्रम से सच्चे दिल से माफी मांगते हैं अगर आपको हमारी किसी भी बात से दिल आजारी हो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और इधर हम भी माफी मांगते हैं आपकी से। हम नहीं, आप ना बताओ। मैं भी माफी मांगती हूँ, मैं भी माफी मांगती हूँ आपकी से। सब बच्चे भी माफी मांग, हम भी माफी मांग। तो प्यारे को भी दिखाए ना जी हैदर अली, कह लो जी हमें भी माफ कर दो। माँ तो आप भी माफ कर दो, माँ तो आप भी कर लो। ये देखो जी माँ तो भी माफी मांग रही है। तो हमारे बड़े हैं सिस्टर रुबीना भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी बहन है और भाई कुरम भी हमारे बड़े भाई हैं। तो हम सत के दिल से आपसे माफी मांगते हैं, रोजे के साथ बैठे हैं, उम्मीद है कि आप हमें माफ करें। सत के दिल से बैठे हैं, मैंने मकसद ये है कि साफ दिल कर बैठे हैं। सत के दिल का मतलब ये होता है, चलो मैंने कहा इसको बता दूं, सत के दिल से और सच्चे दिल से बैठे हैं, उम्मीद है आप हमें माफ करेंगे और इंशाल्लाह जैसा मसीह खुशी व्लॉग बनाते हैं इंशाल्लाह आते रहेंगे। अब कोई भी कैसी वीडियो बनाए हमने कुछ नहीं बनाना, हमने सिर्फ अपनी व्लॉगिंग करनी है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। या अल्लाह पाक आज की अफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक जो हम रोजे रख रहे हैं हमारे रोजे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमा। या अल्लाह पाक जो वफात पा गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या अल्लाह पाक उनकी सबकी जायज मुरादें दुआएं कबूल फरमा, और खुसूसन बिल खुसूस हमारे भाई अब्दुल रहमान जिनके लिए साले साहब के लिए आज देगों का इंतजाम नहीं हो सका उनकी रूह साहब के लिए दुआ करते कबूल मंजूर फरमा, उनके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। और जिन बहन भाइयों ने मस्जिद में हिस्सा शामिल किया हिस्सा मिलाया उनके सबके इस रिश्तेदार अजीज कार वफात पा गए सबके सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा, उनके रिस्क माल जान माल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारा कोई खूबसूरत मुंह नहीं है ना ही हमारी कोई शक्ल है ना सूरत है। या अल्लाह बस जो भी हैं आपकी उम्मत में से है मेरे मालिक आपके प्यारे नबी की उम्मत में से हैं हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। मैं तो गुनाहगार था दानिश्ता भी क्या क्या ना किया, राज रख ली मेरे आका ने मुझे रुसवा ना किया। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। लगिया ने मोजा सोना लाई रखी सोनिया, लाई रखी सोनिया, लाई रखी सोनिया। ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।